हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, उस फिगर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनली का नाम है ऑप्शंस में और फंक्शंस भी है, तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना होगा। तो हमारा की कॉन्सेप्ट आ जाएगा फंक्शंस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनलीज। चलिए फिगर को एनालाइज करते हैं। ये फिगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है। तो हमारा फिगर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, फिगर है RER का। चलिए अभी ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। पहला ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन सिंथेसिस। ये फिगर से मैच करता है। रफ ER राइबोसोम से कवर्ड होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम्स पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज करके अमाइनो एसिड्स जोड़कर प्रोटीन्स बनाते हैं। RER पे बनाए गए प्रोटीन्स या तो सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होते हैं या सेल के बाहर सिक्रीट होते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। हमने ऑप्शन ए में देखा RER प्राइमरी साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का। ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में गोल्जी अपैरेटस गोल्जी अपैरेटस का मेजर रोल होता है। RER पे प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन्स गोल्जी अपैरेटस में ट्रांसपोर्ट होते हैं जहां ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी गोल्जी अपैरेटस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी अपैरेटस का प्राइमरी फंक्शन प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई सॉर्ट और पैकेज करना होता है। ये ऑर्गेनली प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं करते बल्कि RER पे सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को प्रोसेस करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन डी है गोल्जी अपैरेटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ने ऑप्शन बी में देखा गोल्जी अपैरेटस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ग्लाइकोसाइलेशन है जहां ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉलिक्यूल्स ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्जी अपैरेटस ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। ये ऑर्गेनली और फंक्शन करेक्ट है लेकिन फिगर से मैच नहीं करता, इसीलिए ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।